बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं स्वागत करता हूँ राशिद धनबाद ब्लॉग। आज ईस्टर्न रेलवे की तरफ से एक नोटिस आया है जो कि मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। ये दुकान मतलब कि टूटेगी, यहाँ पे 4 लेन होने वाला है और बगल में रेलवे ट्रैक है। यहाँ पर से 70 से 85 फीट इधर जाएगी और 70 से 85 फीट इस तरफ जाएगी। तो मैं आपको दिखाऊंगा बैक कैमरे से भी। ये बड़ा अफसोस की बात है और काफ़ी लंबा होगा। यहाँ से पीछे जितना भी ब्रिज है और एक हाईवे ब्रिज भी वहाँ आगे से बनेगी। तो मैं आपको बैक फ्रंट कैमरे से दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि यहाँ पोस्टर लगाए हैं ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे द्वारा और ये कल का डेट में लगा है 16/12/2021। तो ये सब दुकान टूटने वाली है, बड़ा अफसोस की बात है। और मैं पीछे से भी दिखाना चाहता हूँ, सभी दुकान के पास ये लिस्ट साट दिए गए हैं। और ये दुकान का नाम है डायमंड सैलून। वासेपुर आराम के ब्रिज है, तो मैं पीछे से दिखाना चाहता हूँ। ये सारा दुकान जो है ये सब टूटने वाला है, तो मैं उस तरफ से भी दिखा दूंगा सामने जा करके। पटरी कितनी दूरी पे है और ये पटरी है, यहाँ से उस तरफ जाएगी 70-85 फीट और इस तरफ भी 70-85 फीट जाएगी। ये सब जो है जितना है यहाँ से बाउंड्री मार के सीधे सरकार ईस्टर्न रेलवे की तरफ से ये नोटिस दिया गया है और नोटिस मैंने आपको दिखाया हूँ। ब्रिज है तो ये सुबह का टाइम है, मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे तो वहाँ दिखा कि एक नोटिस कल ही साटा है। मैंने आपको दिखाया अभी कल का डेट पे नोटिस है, बड़ा अफसोस की बात है। ये सारे जो है अभी टूटने वाले हैं और ये नोटिस दिए हैं 7 दिन के अंदर सभी लोगों को खाली करने के लिए। यहाँ तक एक खंभा लगाया है और यहाँ तक छोड़ने का, और यहाँ से फिर वहाँ तक पटरी की दूरी है और यहाँ के बाद कैप्चर कर लिया जाएगा, यहाँ से सीधा रोड डाला जाएगा। तो ये है वो, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं पटरी के पीछे हूँ और मेरे पीछे पटरी है। यहाँ पर बगल में यहाँ 4 लेन होने वाला है, 2 लेन इस तरफ रहेगा, 2 लेन उस तरफ रहेगा। तो 85 फीट उस तरफ जाएगा और 85 फीट इधर जाएगा, मतलब दोनों तरफ इक्वल बराबर लेके जाएगा। तो अभी सुबह का टाइम था, मैंने निकला और मैं नोटिस देखा और मैं इसलिए इस ब्लॉग को बनाया हूँ। तो ऐसे तो नोटिस में दिया, पेपर में भी दिया था 70 फीट इधर, 70 फीट दाएं तरफ, 70 फीट बाएं तरफ, दोनों तरफ। लेकिन अभी वहाँ पर एक साटा हुआ है 80 फीट के नोटिस पर लगभग अक्रॉस में, और इस तरफ का भी नोटिस जारी नहीं किया है। लेकिन दुकान खाली करने का अनुमति मिल गया है और 7 दिन के अंदर बोला गया है। तो ठीक है, फिर मैं आप लोग के साथ एक नेक्स्ट ब्लॉग के लिए साथ हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ ग्राउंड। और ये पटरी के बीच में है तो अभी यहाँ से पटरी क्रॉस करके हम लोग इस तरफ जाएंगे और उस तरफ जो रास्ता गया है उधर जुनार ट्रेनिंग स्कूल सेंटर गया है और वहीं ट्रेनिंग व्रेनिंग होते हैं। तो चलिए वही रास्ते से हम ग्राउंड जाते हैं, सुबह मॉर्निंग का टाइम है इसी रास्ते से हम ग्राउंड जाते हैं। तो चलिए चलते हैं ग्राउंड। डायमंड सैलून के नाम से, हाँ डायमंड सैलून के नाम से है नोटिस जो पीछे सटा है। तो अभी फिर से मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ठंडी का मौसम है, चाय पी रहा हूँ, चाय काफी अच्छा है। गर्मा गर्म चाय है। और अभी इधर जो रास्ता गया हुआ है ये जोनाल ट्रेनिंग स्कूल सेंटर का रास्ता गया हुआ है इधर, ये रास्ता। तो अभी इधर से भी जाएंगे, ग्राउंड की ही तरफ जाएंगे और फिर वहाँ पे थोड़ा सा वहाँ का भी वार्म अप करेंगे। वीडियो आपको आज का ही वीडियो में मैं
दिखाऊंगा और इस वीडियो को आज का ही वीडियो में अपलोड करूंगा। आइए 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 आइए, ये जो दुकान जो नोटिस दिया है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सही तो है, गलत क्या है? अच्छा, अब उनको काम पाओ तो नहीं पड़ेगा। बात तो सही है, एकदम सही बात है, सरकार का चीज है, जैसा भाई साहब ने कहा कि सरकार का चीज था और उसे अब जरूरत पड़ा है तो वो अपने कैप्चर में ले रहे हैं। ठीक है, फिर चलते हैं आप लोगों के साथ ग्राउंड, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि सुबह जो लोग हैं नहीं उठ पाते हैं, मैं उन लोगों के लिए प्यारा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग उठे और ग्राउंड आए। आप अपनी हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए आप ग्राउंड आए, हर चीज़ से दूर हैं, चलिए ग्राउंड लेकर चलते हैं। भी है लड़का लोग जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस तरफ मैं दिखाना चाहता हूँ, तो बहुत दूर में है, शायद आप लोगों को नहीं दिखेगा कि वहाँ लड़के लोग दौड़ रहे हैं। अच्छा है, शरीर को फिटनेस बनाने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप शरीर को जितना फिट रखेंगे आप बेहतर रहेंगे, जितना फिट रखेंगे खास करके सुबह उठने के बाद, क्योंकि सुबह लोग बहुत कम ऐसे हैं जो नहीं पाते हैं, अस्कताते हैं, कल जाएंगे परसों जाएंगे इस तरह सोचते हैं कि चलो आज नहीं कल जाएंगे। तो अभी मैं फिर से उस जगह पे जाऊंगा जहाँ पे मिस्टर रेलवे ने नोटिस जारी किया है और वहाँ पे सब्जी मंडी लगती है, उस मंडी को भी दिखाऊंगा और वो लोग भी वहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि जब दीवार लग जाएगी उस तरफ में आने जाने के कोई साधन नहीं रहेगा। तो सरकार ये चाहिए कि एक वहां से फ्लाईओवर ब्रिज निकाले ताकि उस तरफ आने जाने का एक रास्ता बन जाए, और ये सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि उस तरफ जाने के लिए जब दीवार लग जाएगी तो नहीं जा पाएंगे लोग, जब अगर फ्लाईओवर बन जाएगी तो लोग उधर जा सकते हैं और आ सकते हैं, क्योंकि उधर ही सारा कुछ काम है हर इंसान को और उधर का भी इंसान को इस तरफ से काम है, तो फ्लाईओवर तो देना जरूरी बनता ही है। तो ठीक है, चलिए फिर हम आपको लेके चलते हैं उसी जगह, यहाँ से जाने के बाद 9 बजे 9:30 बजे के आसपास में वहाँ मंडी में, क्योंकि वहाँ सब्जी जो लगते हैं वो आपको इस कैमरे में दिखाऊंगा। और ये धनबाद सर वासेपुर के आराम और सब्जी मंडी जो कि यहाँ पे है, और ये भी मतलब कि ये खाली हो जाएंगे, ये सब भी अब दूसरे जगह जा यहाँ पर से भी नापी हो चुका है और ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा ये रास्ता। तो सामने पे आप लोग दिख रहा है, देखिए सामने पटरी है, ट्रेन है, अभी पास भी हो आना जाना होती रहती है, तो अभी 4 लाइन हो जाएगा। ये है आरा मोड़ जो सब्जी मंडी है, और ये है अरविंद भाई साहब जो सब्जी बेच रहे हैं, गोभी है। तो आप देख सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कि बगल में ब्रिज भी है और सब्जी मंडी भी है और बगल में रेलवे ट्रैक भी है, तो इसकी वजह से यहाँ जब 4 लाइन हो जाएगा तो ये भी उठ जाएंगे सब्जी मंडी भी, और ये कहीं दूसरे जगह जाके बैठेंगे। तो ठीक है, फिर आप लोग के साथ मिलते हैं एक नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करें, और चैनल पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो आप लोग देख सकते हैं कि देखिए बगल से ट्रेन क्रॉस कर रही है और इसी वजह से यहाँ 4 लाइन बना रहे हैं ताकि ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोग के साथ एक नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ। टेक केयर, हाफिज़।